तो दिल्ली शिक्षा विभाग ने सोशल साइंस के गेस्ट टीचर्स की एक और रीएलोकेशन वाली लिस्ट जारी कर दी है। इसे गुड न्यूज़ कहें या बैड न्यूज़ ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि जो लोग लंबे टाइम से रिलीव थे उन्हें ज्वाइन कराया जा रहा है उनके लिए गुड न्यूज़ है, लेकिन जो लोग ऑलरेडी ज्वाइन थे लंबे टाइम से उन्हें रिलीव होना पड़ेगा, इसलिए ये बैड न्यूज़ भी है। तो यहाँ पर आप देख पाओगे, आप अपना नाम चेक कर लीजिए, टेबल ए में वो टीचर्स हैं जो रिलीव थे उन्हें ज्वाइन कराया जा रहा है। तो आप मैक्सिमम वर्किंग डे 2280 के साथ में आप लो में देख लीजिए कि कितने वर्किंग डेज तक को स्कूल अलॉट कर दिया है। साथ में आप अपना यहाँ पर नाम चेक कर लीजिए, क्योंकि आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको इसी लिस्ट में सारे नाम देखने को मिल जाएंगे। साथ में जो रिलीव होने वाले हैं, वर्किंग थे लेकिन उन्हें रिलीव होना पड़ेगा, तो दोस्तों आपको ज़रूरी नहीं कि उनको ये लिस्ट देखनी है जो रिलीव थे, अब आपको ऐसी लिस्ट देखने को मिल रही है। साथ में आपको ज्वाइन वालों को भी वीडियो देखना ज़रूरी हो चुका है, क्योंकि लगातार रिलीव हो रहे हैं और लगातार रिज्वाइन हो रहे हैं। पहले परमानेंट टीचर्स के आने से, प्रमोशन से, पीएफसी से या ट्रांसफ़र से गेस्ट टीचर हिट होते थे, लेकिन अब लिफो के अकॉर्डिंग लास्ट इन कम फर्स्ट, लिफो के अनुसार अब उन टीचर्स को हटना पड़ रहा है जिनके कम वर्किंग डेज हैं। तो ये एक अच्छी न्यूज़ भी है उनके लिए जो लंबे टाइम से अपनी सेवाएं दे रहे थे, ये गुड न्यूज़ है उन लोगों के लिए जिन्होंने काफ़ी लंबे समय से दिल्ली शिक्षा विभाग ने अपनी सेवा दी है। एक लंबी लिस्ट है यहाँ पर उनकी जिनके ज़्यादा वर्किंग डेज होने के बावजूद वो रिलीव थे। साथ में यहाँ पर कुछ ऐसे भी टीचर हैं जिनके वर्किंग डेज कम हैं लेकिन उन्हें रिलीव होना पड़ेगा। तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप ज़रूर देखें, चेक कीजिए कि आपके स्कूल में नए कौन से टीचर आने वाले हैं और आपके स्कूल से कौन से टीचर रिलीव होने वाले हैं। दोस्तों ये सच में दिल्ली शिक्षा विभाग की तरफ से टीचर्स गेस्ट टीचर्स के लिए गुड न्यूज़ भी है, साथ में बैड न्यूज़ भी है। और पहले जो लिस्ट आती थी उनमें सभी अलॉट रीअलॉट किए जाते थे, लेकिन अब वो लिस्ट आने वाली है और सारी लिस्ट लगातार इसी तरह आ रही है, जिसमें कि रीज्वाइनिंग के साथ साथ में रिलीविंग भी निकल रही है। और ये सच में एक झटका है उन लोगों के लिए जो लंबे टाइम से वर्किंग तो थे लेकिन उनके वर्किंग डेज कम होने के कारण उन्हें अब रिलीव होना पड़ेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी के नाम है, यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, आपको इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा लिस्ट के लिए, आप हमारे वीडियोस को लगातार देखते रहें तो आपको सारे टीचर्स के नाम यहाँ पर जितने भी रिज्वाइन हो रहे हैं और जिन जिनको रिलीव होना पड़ेगा, आप अगर ऑलरेडी ज्वाइन थे तो आपको भी ये वीडियो देखनी पड़ेगी, क्योंकि अब ज़्यादा वर्किंग डेज वाले कम वर्किंग डेज वालों को हिट करने वाले हैं और लगातार कर रहे हैं। पिछली लिस्ट TGT हिंदी की भी कुछ इसी प्रकार की थी, उसके बाद TGT संस्कृत की भी इसी प्रकार से लिस्ट आई थी और अब आपको सोशल साइंस की लिस्ट भी इसी तरह से देखने को मिल रही है। और दोस्तों अब सारी लिस्ट लगातार आपको इसी तरह से मिलेगी, पिछले PET टीचर्स की भी इसी तरह से लिस्ट थी जिनमें कि उनको रिलीव भी होना पड़ रहा था साथ में, और अब डिपार्टमेंट में काफ़ी उथल पुथल मचने लगा हुआ है। तो बाकी क्या लगता है आपको, एक ही लिस्ट में रिज्वाइन भी हैं और रिलीव भी हो रहे हैं? तो दोस्तों 321 के करीब में जो टीचर्स हैं वो रिलीव ज्वाइन हो रहे हैं, 382 मिनिमम वर्किंग डेज में। अब यहां से टेबल बी आ चुका है और टेबल बी में देख सकते हैं आप कि 380 वर्किंग डेज में भी रिलीव होना पड़ेगा। और आप यहां पर एक बड़ी सी लिस्ट यहां पर भी है, तो आप देखिए किस तरह की लिस्ट है, किन किन टीचर्स को रिलीव होना पड़ रहा है। और ये आपका नाम इसमें ना हो, आपके नाम साथ में आपके फ्रेंड्स के नाम भी इसमें हो सकते हैं। दोस्तों ये बड़ा दुर्भाग्य ही है, दिल्ली शिक्षा विभाग में काम करने का एक बैड एक्सपीरियंस है कि इतना लंबे टाइम से सेवाएं देने के बाद आज रिलीव होना पड़ेगा। और दोस्तों अब एक बार अगर रिलीव हो गए, गेस्ट ने गेस्ट को हिट कर दिया, तो दोबारा से रिज्वाइन
नहीं हो पाएंगे। और अब एक अंतिम सहारा, क्या लगता है आपको अब क्या हो सकता है, क्या करना चाहिए इस तरह से आगे आने वाले दिनों में और भी रिलीव हो जाएंगे तो ऐसे में तो सारे गेस्ट टीचर घर बैठ जाएंगे, तो क्या करना चाहिए वह कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताते रहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 100 के करीब में नाम है और 0 वर्किंग डेज वाले तो सारे रिलीव हो चुके हैं। और यहाँ पर आपको जो लिस्ट देखने को मिलेगी वो है 114 वर्किंग डेज वाले भी रिलीव हो रहे हैं। दोस्तों विद इन 7 वर्किंग डेज में आपको रिज्वाइन होना है, स्कूल में रिपोर्ट करना है और साथ में अपने ज़रूरी डॉक्यूमेंट जरूर लेकर जाएँ आप, अपने पुराने सारे एक्सपीरियंस लेटर है, रिलीविंग लेटर है, वर्किंग डे जिसमें मेंशन हो, साथ में अपने क्वालिफिकेशन वाले क्वालिफिकेशन सारे डॉक्यूमेंट आप अपने स्कूल में लेकर के जाएं और जल्दी से जल्दी आप विद इन 7 वर्किंग डेज में आपको ज्वाइन करना है स्कूल। दोस्तों मैं कहूँगा कि आप सिर्फ 1-2 दिन में ही ज्वाइन कर लीजिए और इसी तरह से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि सारी अपडेट आपको लगातार मिलती रहेगी। धन्यवाद।